लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। प्रितोला? ये प्रितोला कौन है? अंतरिक्ष में घूमने वाला ब्रह्मांड का महाप्रेत है प्रितोला। प्रितोला के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो ना तुम? मैं तुम्हें बताता हूँ। फैल जाओ चारों तरफ। कोई भी दिशा, पृथ्वी का कोई भी भाग बचना नहीं चाहिए आप लोगों की दृष्टि से। किसी भी मूल्य पर ढूंढ निकालो उस दुष्ट वज्रबाहु को। गुरु द्रोही वज्रबाहु? वज्रबाहु नहीं, तमराज किल्विश कहो। किल्विश यानी पाप, पाप का पर्याय किल्विश है अब हमारा नाम। ओ, तो स्वरूप के साथ साथ तुम्हारा नाम भी विकृत हो चुका है। श्री सत्य को भी इस बात का ज्ञान हो गया था कि किल्विश प्रितोला को अपनी तामसी साधना के माध्यम से पृथ्वी पर बुलाना चाहता है, और वो तामसी साधना काल वन में करने वाला है। अतएव श्री सत्य ने उस काल वन में होने वाली तामसी साधना को रोकने का निर्णय किया। हमारे योद्धा वहां जाकर उसकी साधना को रोकेंगे और हम यहां पर आरंभ करेंगे शक्ति। और अब देखिए, Thank you.
अपनी तामसी साधना को बंद कर किलवेश, क्यों पृथ्वी का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है? सर्वनाश तुम सबका होगा, खत्म कर दो इन लोगों को। प्रेतोला आओ चले आओ। कौन पुकार रहा है प्रेतोला को? प्रेतोला आओ। जगत प्रदीपाय जगत हितैषिणे। आओ प्रेतोला, आओ प्रेतोला, आओ चले आओ प्रेतोला, आओ चले आओ। इसी ग्रह से कोई पुकार रहा है मुझे, मुझे उधर जाना ही होगा। आ,
प्रेतुला, आओ प्रेतुला, आओ चले आओ। आओ प्रेतुला, आओ आओ प्रेतुला, आओ चले आओ। आओ प्रेतुला, आओ चले आओ। ये देखो, ये है शक्ति पुंज जिसे मैंने अपने पाप से पाप पुंज बना दिया है। तुम्हें इसमें रहना पसंद है ना? हमें पता है प्रेतोला, आओ इसमें समा जाओ प्रेतोला, आओ। आओ आओ इसमें समा जाओ, आओ प्रेतोला, आओ। Ha 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 ha
आ जाओ प्रेतुला। ब्रह्मांड में फैली सारी ऊर्जा का रक्षा कवच बन गया है पृथ्वी के चारों ओर। प्रेतोला, तू इस रक्षा कवच को नहीं भेद सकता, नहीं भेद सकता, नहीं भेद सकता। अभी तो मैं जाता हूं, मगर एक दिन जरूर लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। देखता हूं कब तक रहता है ये रक्षा कवच, और जिस दिन ये रक्षा कवच हटेगा, प्रेतोला के प्रेतों का वास पूरी पृथ्वी पर होगा। 6000 वर्षों के बाद आज वही प्रेतोला एक बार फिर निकट आ गया है पृथ्वी के। परंतु महागुरु श्री सत्य का बनाया हुआ रक्षा कवच आज भी पृथ्वी के चारों तरफ होगा, और जब तक ये रक्षा कवच पृथ्वी के चारों तरफ है, पृथ्वी को कोई भय नहीं होना चाहिए प्रेतोला से। ये मत भूलो मित्र कि पिछले 6000 वर्षों से प्रेतोला प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। हो सकता है कि पृथ्वी के निकट रहकर श्री सत्य द्वारा बनाए गए रक्षा कवच को भेदने का कोई मार्ग ढूंढ रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि रक्षा कवच को भेदने का कोई उपाय किल्विश को सूझ गया हो और उसने पुनः आमंत्रित कर पृथ्वी के निकट बुलाया हो प्रेतोला को। आपकी आशंका निर्मूल नहीं है महागुरु। पूर्व महागुरु की दिव्य मणि को किसी ने अंतरिक्ष में नष्ट कर दिया है, और यह नष्ट करने वाला या तो प्रेतोला हो सकता है या फिर किल्विश, अर्थात मणि के नष्ट होने के पश्चात उसमें छिपी हुई सत्य की शक्ति इस समय या तो प्रेतोला के अधिकार में है या फिर किल्विश के। दोनों में से दिव्य शक्ति किसी के पास भी हो, वो इसका दुरुपयोग अवश्य करेगा। हो सकता है कि दिव्य शक्ति का दुरुपयोग रक्षा कवच को भेदने के लिए हो। तब तो सचमुच अनर्थ हो सकता है महागुरु। अनर्थ को टालने का एक ही उपाय है मित्र। वो क्या? पहले से कहीं अधिक सतर्कता। तुम अपने स्तर पर चारों ओर दृष्टि रखो, हम सूर्यांशी अपने स्तर पर रखेंगे। जी महागुरु, एक बार अंतरिक्ष में जाकर चारों तरफ निरीक्षण भी करना चाहता हूं महागुरु। ठीक है, जाओ मित्र। प्रणाम महागुरु। विजय भव। और हां मित्र, अब इस दुविधा को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दो। तुम्हारी माता श्री से तुम्हारे मिलन का समय आ चुका है। हां, परंतु साथ में पूर्व महागुरु की आत्मा ने यह भी कहा था ना कि माता श्री से भेंट के पूर्व एक भीषण परीक्षा से गुजरना होगा मुझे। उस परीक्षा में भी सफल हो जाओगे मित्र। सफलता और असफलता तो नियति के हाथों में होती है महागुरु, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि परीक्षा चाहे कितनी ही भीषण क्यों न हो, शक्तिमान नहीं घबराता किसी परीक्षा से। इसी भावना के कारण तो तुम शक्तिमान हो। शक्तिमान
चलता हूं। बेकार कोशिश, बेकार कोशिश कर रहा है तू शक्तिमान। प्रेतोला को ढूंढने की बेकार कोशिश कर रहा है तू। तू शक्ति पुंज पर बने उस निशान को देखकर प्रेतोला को ढूंढने आया है ना शक्तिमान? प्रेतोला पृथ्वी के नजदीक पहुंच चुका है, मगर तू उसे नहीं देख सकेगा शक्तिमान। नहीं देख सकेगा तू उसे, क्योंकि अंधेरे ने अपनी ताकत से उसे पहले ही गायब कर दिया है। क्या कह रहे हो? वही जो वक्त की जरूरत है प्रेतोला। 6,000 साल पहले हुई शिकस्त को हमें जीत में बदलना है। हाँ हाँ, जीतने के लिए ही प्रेतोला दोबारा यहाँ आया है। और हमारी जीत के लिए जरूरी है तुम्हारा थोड़े समय के लिए गायब होना। लेकिन क्यों? प्रेतोला यही तो जानना चाहता है कि जीतने के लिए प्रेतोला का गायब होना क्यों जरूरी है। देखो, तुम पृथ्वी के नजदीक आ गए हो। ये बात शक्तिपुंज के जरिए सत्य के वंशज सूर्यांशियों को और शक्तिमान को पता चल जाएगी। पता चल जाने दो, प्रेतोला नहीं डरता किसी से, नहीं डरता। बेवकूफों की तरह बातें मत करो प्रेतोला। हमें हर हाल में जीतना है, और ये तभी हो सकता है जब तुम पृथ्वी की आत्मा शक्ति पुंज तक पहुंच सकोगे। और शक्ति पुंज तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले पृथ्वी तक पहुंचना होगा, और पृथ्वी तक तुम सत्य के बनाए रक्षा कवच के रहते कभी नहीं पहुंच सकते हो। तो तुम रक्षा कवच तोड़ने का इंतजाम करो ना, मुझे गायब होने के लिए क्यों कह रहे हो? रक्षा कवच को तोड़ना इतना आसान नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। और अंधेरा नहीं चाहता है कि उस वक्त से पहले सूर्यांशी या शक्तिमान की तुमसे टक्कर हो या वो तुम्हें देख पाए। इसलिए तुम्हें गायब होना होगा प्रेतोला। और फिर जैसे ही अंधेरा पृथ्वी के रक्षा कवच को तोड़ेगा, तुम अचानक पृथ्वी पर आकर शक्तिपुंज पर कब्जा कर लेना। और शक्तिपुंज पर तुम्हारा कब्जा होते ही पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाएगा अंधेरा। ठीक है, लेकिन प्रेतोला को गायब होना नहीं आता। ये काम अंधेरे की ताकत करेगी प्रेतोला। अब रक्षा कवच के टूटने के बाद ही दिखाई दोगे तुम। इसलिए रक्षा कवच के टूटने से पहले प्रेतोला तुझे भी दिखाई नहीं देगा शक्तिमान, तुझे भी दिखाई नहीं देगा वो। तुझे मायूस होकर लौटना ही होगा शक्तिमान। तो आखिर मायूस होकर तू लौट रहा है शक्तिमान?
मगर अंधेरा मायूस नहीं होगा शक्तिमान। 6000 साल पहले हुई शिकस्त को जीत में बदल कर रहेगा अंधेरा, और इसके लिए सबसे पहले टूटना होगा पृथ्वी की रक्षा कवच को, यानी बुलाना होगा अंधेरे के खास नुमाइंदों को। फ्रोगा, फ्रोगा। जब रक्षक भक्षक बनता है तो ऐसा ही होता है। नहीं नहीं नहीं, जब रक्षक भक्षक बनता है तो पाप फैला देता है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। अंधेरा कायम रहे सम्राज किल्विश। अंधेरा कायम रहेगा, बल्कि यूं कहो
कि अब वक्त आ गया है पूरी तरह अंधेरा कायम करने का। इसीलिए हमने तुम जैसे जांबाज नुमाइंदों को यहाँ बुलाया है। हुकुम महामहिम, हुकुम कीजिए, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? एक बात तुम चारों को याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ आज तक अंधेरे ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बेशुमार ताकतें दी तुम्हें, आम आदमी से खास आदमी बना दिया। तुम चारों को अंधेरे ने इतनी ताकतें दी हैं कि अगर तुम चारों चाहो तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में सर झुका सकती है। आपका कहना सही है महामहिम, मगर अब वक्त आया है कि तुम चारों अंधेरे को कुछ दो। अंधेरे ने जो ताकत तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अंधेरे के लिए करो। हम तैयार हैं महामहिम, हम आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे। बस आप हुक्म कीजिए कि हमें करना क्या है। तबाही, भयंकर तबाही, इतनी भयंकर तबाही फैला दो कि सारी दुनिया थर्रा उठे तुम्हारे आतंक से, कहर बनकर टूट पड़ो समाज पर, तबाह कर दो सब कुछ, पाप का तूफान बन जाओ, ऐसा भयंकर तूफान कि अगर शक्तिमान भी तुम्हारे सामने आए तो वो भी कागज की तरह उड़ जाए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा महामहिम। बस अब हमें ये बता दीजिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है। शक्तिमान के शहर से, जिस शहर की रखवाली का दावा शक्तिमान खुद उस शहर में रहकर करता है। अंधेरे का पहला शिकार वो शहर ही बनेगा। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे शहर पर कितना बड़ा कहर टूटने वाला है शक्तिमान। एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारी परेशानी किसी हद तक दूर कर सकती हूं मैं? हमें विश्वास नहीं, फिर भी बताइए। तुम्हारी याददाश्त के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये जरूर साबित कर सकती हूं कि तुम ही शक्तिमान हो। क्यों, तुम्हारे पास भी ये बात साबित करने के लिए कोई कहानी है? नहीं, मगर सचमुच तुम्हें एहसास करा सकती हूं कि तुम ही शक्तिमान हो, क्योंकि तुम शक्तिमान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकते हो। देखिए, आपकी इन बातों से हमें जरा भी एहसास नहीं हो रहा है कि हम शक्तिमान हैं। मगर अब जो कुछ मैं करने जा रही हूं उसे तुम्हें एहसास होगा कि तुम ही शक्तिमान हो। मेरे छूने से तुम्हें कुछ नहीं होगा शक्तिमान, क्योंकि तुम ही शक्तिमान हो। क्या कर डाला है आपने? क्या कर दिया है आपने? क्या कर दिया है आपने? क्या हो रहा है हमें? ये क्या क्या कर डाला है आपने? तुम शक्तिमान नहीं हो, तुम शक्तिमान नहीं हो सकते। ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया? क्या हो गया? इसका चेहरा काला हो गया। अरे क्या हो गया? मैंने इसे मार डाला। मैं इसे शक्तिमान समझकर छुआ था। मैंने सोचा था कि मैं इसे एहसास दिला दूंगी कि यही शक्तिमान है, लेकिन मैंने इसे मार डाला। मैंने मार डाला।
अरे आप क्या कर रही हैं आप? क्या क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? क्यों डरा दिया ना? हाँ, हम तो सचमुच एक क्षण के लिए भयभीत हो गए थे, अब परंतु अचानक ये सब हुआ कैसे? आप तो लगता है ठीक हो गई। ये सूर्यांशु की कृपा है, उन्होंने जो कहा था सो कर दिया। अब मेरा अभिशाप मेरी ताकत बन गया है। मतलब? मतलब मेरी विकृति अब मेरे वश में है। दूसरे के शरीर की ऊर्जा को अपने शरीर में खींचने का गुण जो मेरे में था अब भी है, लेकिन अब मेरे काबू में है। अर्थात आप अगर चाहें तो किसी के शरीर की ऊर्जा अपने अंदर खींच सकती हैं। हाँ, और अगर न चाहूं तो उन्हें छूकर भी उन्हें कुछ नहीं होगा, जैसे तुम्हें छूकर अब तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। तुम नहीं समझ सकते शक्तिमान कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं आम इंसानों की तरह जी सकती हूँ। अब मैं आम इंसानों की तरह जी सकती हूँ शक्तिमान। अब मैं आम इंसानों की तरह जी सकती हूँ शक्तिमान। हम आपकी प्रसन्नता को समझ सकते हैं आकांक्षा जी, हम आपकी प्रसन्नता को समझ सकते हैं। सचमुच ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हमें भी प्रसन्नता हो रही है आकांक्षा जी, आपको प्रसन्न देखकर हमें सचमुच बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बात मैं तुम्हें उस दिन बताना चाहती थी, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आज चली आई। क्योंकि मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। अगर उस दिन तुम मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकते तो ये दिन मैं कहां देख पाती, और इस तरह तुम्हारा हाथ कहां पकड़ पाती मैं। सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही समझ पर आई है। आप अगर आप यहाँ नहीं आती तो हम आप दोनों का परिचय कैसे करवा पाते? देवी जी, ये है आकांक्षा जी। अरे हमने आपको इनके बारे में बताया नहीं था। ये वो है जिनके छूने मात्र से इंसान की मृत्यु हो जाया करती है। अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है ये। हाँ, अब तो ये किसी को भी छू सकती है, वो तो मैंने देख ही लिया है। बाय द वे, आई एम गीता विश्वास, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। तो आप ही गीता विश्वास हैं, आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा, क्या सुना है मेरे बारे में? यही कि आप ही सबसे पहले शक्तिमान की न्यूज लेकर आई थी। ये तो बहुत ही पुरानी न्यूज है, और कुछ नहीं जानती हो मेरे बारे में? नहीं नहीं, और बहुत कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि इन दिनों आप शक्तिमान की कॉमिक्स निकाल रही हैं, और आप शक्तिमान के बहुत करीब हैं। वो तो तुम भी हो। जी हाँ, वरना तुम यहाँ क्यों होती? अब देखो ना, गंगाधरी शक्तिमान है, ये हकीकत तो शक्तिमान के नजदीक के लोग ही जानते हैं ना? हाँ, वैसे मैं यहाँ कोई जरूरी काम से आई थी, लेकिन अब सोचती हूँ बाद में आऊंगी। नहीं नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? आप रुकिए ना, मैं तो जाने ही वाली थी। शक्तिमान, मुझसे मिलने फिर आओगे ना? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो फिर मैं इंतजार करूंगी। बाय गीता जी। बाय। फिर मिलने आओगे ना शक्तिमान? तुम इससे अक्सर मिलते हो? नहीं, मैं। फिर ऐसा क्यों कह कर गई? फिर मिलने आना, अभी तो मिलकर गई है, जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ मिलने बुलाया उसने? हाँ बोलो। लगता है कुछ कहीं जल रहा है।
हम अभी रसोई घर पे देख कर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे जलन हो रही है? ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम्हारी माँ अरुंधति देवी का तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं। अब अगर तुम्हें बताना भी होगा ना गंगाधर तो तुम खुद आकर मुझे बताओगे। मैं जा रही हूँ। अरे देवी जी रुकिए, सारा दूध जल गया है, स्टोव पर रख कर हम भूल गए थे। आप तनिक रुकिए, हम आपके लिए शीतल पेय बनाकर लाते हैं। शीतल पेय बनाकर ला रहे हैं ढेंटड़ाए। अरे सचमुच चली गई, उधर दूध जल गया, इधर देवी जी जलकर चली गई। कोई बात नहीं, जलने वाले जला करें, हम तो अपना ठंडा ठंडा शीतल पेय पिएंगे। ओ मजा आ गया। वैसे एक बात समझ में आ रही है हमारी, यदि गीता देवी को ये बात ज्ञात हो जाए कि शक्तिमान भैया आकांक्षा को पसंद करने लगे हैं तो वो शक्तिमान भैया के सामने शादी की रट 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 लगाना छोड़ देगी। अरे बाप रे, ये तो कॉलेज जाने का समय हो गया, हम तो कॉलेज को भूल ही गए थे। अब तो पैदल जाना होगा वरना हम गीता जी से लिफ्ट मांगकर चले जाते। यही है शक्तिमान का शहर जो बहुत जल्द शमशान में बदल दिया जाएगा। जाकर भी शहर को नहीं बचा पाएगा शक्तिमान। हाँ। शहर को नहीं बचा पाएगा। अरे खुद को भी नहीं बचा पाएगा शक्तिमान। हाँ। शक्तिमान We'll be right back.